नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुलारी देवी जी हैं। बता दें कि ये पद्मश्री विजेता हैं और इन्हें मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए सम्मानित भी किया गया था, साथ ही साथ स्टेट अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। इनसे जानते हैं इनकी शुरुआत कहाँ से रही, साथ ही साथ कई पेंटिंग बना चुकी हैं और ऐसे में इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम। धन्यवाद। हमार नाम दुलारी देवी है, हमारे घर रांटी है, हम मछुआरा परिवार से छी। हम सब पहले मजदूर के काज करे छलिए। हमरा गाम में पद्मश्री महासुंदरी देवी छलखिन, कर्पूरी देवी, हुनका सब से हम सीखने छी। वह हमर गुरु छथि महासुंदरी देवी और कर्पूरी देवी। तो बहुत कठिन भेल सीख में, किया तो हम गरीब परिवार से छलौ, हमरा रंग रहे ने कागज रहे, बहुत कठिन भेल। गौरी मिश्रा के ऑफिस खुजलै तो ओहिमे नाम लिखा दिलैत, तो ओहिमे 16 साल काज कयलहुँ। तखन मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट छलै, ओहिमे बच्चा सबके सिखबै छलहुँ हँ। अमेरिका तरफ से डेविड पीटर सब खुलने छलखिन हँ, परमेश्वर चचा, ओहिमे कौशिक सर सेहो छलखिन हँ। तो बहुत मने बच्चा सबके सीखऽ के मौका हमरा भेटल। अपन मिथिला के कल्चर छै, मिथिला एकटा भूमि छै। मिथिला मिथिला के मधुबनी पेंटिंग नहि कहै छै, मिथिला पेंटिंग कहै छै। मधुबनी के एहि दुआरे नाम लै छै जे कि अहाँ के जिला छै मधुबनी हमर सबके। ओना मिथिला पेंटिंग मिथिला के धरोहर छै, मिथिला राम सीता के भूमि छै। तऽ वएह कहब जे मिथिला के धरोहर जे छै, जे बच्चा सब कोना आगू बढ़े, कोना सीखतै, तऽ कोना बच्चा सबके सिखायल जाए। हमरा गाम में एक सौराठ गाम में एकटा इसकुल खुजलै बच्चा सबके लेल, जे बहुत मौका भेटतै बच्चा सबके सीख के। अखन मान लिअ हमरा पद्मश्री भेटल, या गरीब गोरबा लोग के मोदी जी के और राष्ट्रपति जी के धन्यवाद दै छियनि, जे गरीब गोरबा लोग के ताकि ताकि के ढूंढ ढूंढ के पद्मश्री दै छथिन। तऽ ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। अखन हम गांधी मैदान में बिहार दिवस पर जे डेमो पर बैसल छी, प्रदर्शनी लगेने छी, तऽ एहिठाम बिक्री बट्टा के नहि ओहन छै, देखा के मौका होइ छै बच्चा सबके। बहुत खुशहाली भेलैए बच्चा सबके लेल, 2 साल के बाद ई प्रोग्राम भेलैए बिहार दिवस। ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि सर के, जेकि बहुत मौका भेटलै बच्चा सबके। हमर बिहार के छथिन नीतीश कुमार सरकार, हुनको बड़ धन्यवाद दै छियनि जे बहुत मौका भेटलै बच्चा सबके देखऽ के। बहुत नीक लागै छै, सब अबै छै देखै लए। अखन हम लाइव डोम पर छी। अच्छा, आप यहाँ पे बच्चों को लाइव सिखा रही हैं पेंटिंग बनाना, आप हमें ये बताए कि कितने बच्चों ने अभी तक यहाँ पे आपके पास पहुँचने का काम किया, आपने कितने बच्चों को ट्रेनिंग दिया है बीते 2 दिनों में, आज आखिरी दिन बिहार दिवस का? देखिए, आज तो आखिरी दिन छै, बच्चा सबके देख के बुझ के मौका भेटले। हजारों बच्चा देखै लए आयल है, पूछलक जे की बनबै छै मैम, मिथिला पेंटिंग बनबै छै। तऽ मिथिला अपन एकटा धरोहर छै, तऽ बच्चो सबके बहुत खुशी लगलै जे मिथिला के धरोहर छै मिथिला पेंटिंग। हमरा सीता माता के भूमि अइ, रामायण पर बनै छै, दशा अवतार बनै छै, परम्परा के अरिपन कोबर जे भऽ रहलै यऽ बनै छै, से सब बच्चा सबके देखऽ के मौका भेटलै यऽ। आने वाले टाइम में आप मिथिला पेंटिंग को कहाँ देखना चाहेंगे? जो अभी स्थिति है मिथिला पेंटिंग की काफ़ी चर्चित है, और जापान में भी एक म्यूजियम है जहाँ पे संभाल के इस पेंटिंग को रखा गया है। अब हम ये बताएं कि आप आने वाले वक्त में पेंटिंग को कहाँ देखना चाहेंगे? देखियो, आने वाला वक्त में जो बिहार म्यूजियम पटना छे, अखन अपन सबके बिहार के ओहिमे पेंटिंग लागल छै कलाकार सबके, ओहो देखऽ के मौका हेतै बच्चा सबके। जापान में तो हासिगवा मिथिला म्यूजियम बनेने छै, अपन सबके बिहारो में बनल छै ने पटना में बिहार म्यूजियम, तो बहुत मौका भेटलै बच्चा सबके सीखऽ के। अखन महारथी ऑफिस छै हमरा सबके हैंडीक्राफ्ट ऑफिस से, आलोक सर छलखिन काल्हि खन आयल भेंट के लेता, तो ओ सब अखन ट्रेनिंग चलै छै, बच्चा सब सीखै छै, तो बहुत सहयोग होइ छै, बच्चा सबके सीखऽ के मौका होइ छै। आ आगू के अखन के जे बच्चा सब लबका बच्चा सब छै, नया नया चीज सीखै छै। पहिले जे छलै जे अरिपन कोबर बनै छलै, अखन नया चीज पेड़ बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, दहेज प्रथा पर बनै छै, कोनो घटना होइ छै ताहि पर बनै छै। एना नहि हेबाक चाही कोनो लड़की के साथ, कोनो बेटी के साथ, बेटी बेटा में कोनो अंतर नहि छै। अखन जहिना बेटा के पोसल जाइ छै, तहिना बेटी के पोसल जाइ छै। तऽ इएह कहब जे कला कोना बचतै, कोना बचा के बच्चा सब राखे,
अपन कला के अपन मिथिला के धरोहर बचा कर राख वहाँ सब। चलिए, तो मिथिला का धरोहर है मिथिला पेंटिंग, तो आपको बता दें कि बेटी और बेटे में फ़र्क भी नहीं होना चाहिए, एक लेसन दे रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से इन्हें काफ़ी उम्र बीतने के बाद इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला और आज लोग इन्हें काफ़ी सम्मान के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। और हम आपने इनका पहला इंटरव्यू देखा जब इन्होंने कहा था कि फ़ोटो इनका खिंचा रहा था, तब कहीं ना कहीं रो रही थी कि हमारा भी फ़ोटो खिंचा रहा है। एक शौक होता है कि पत्रकार आए फ़ोटो खींचे और हमारा छापे, लेकिन जब इनका पहला इंटरव्यू हुआ था उस वक्त का इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा। ऐसे में एक लेसन है कि जब इस उम्र में भी ये पद्मश्री अवार्ड ले सकती हैं तो बाकी युवा जो हैं इस क्लास से जुड़ रहे थे वो भी काफ़ी हद तक कुछ कर सकते हैं। आपने अभी तक कितने बच्चों को ट्रेनिंग दिया है? अखन तो अपना मिथिला इंस्टीट्यूट खुजल छे गाम में सरकारी के तरफ से खुजल छे, तो 5,000 बच्चा सबके सीखेने हेबे, और मने ओते अंत नहीं छे, कते लोग अबे छे सीखल, अखने हजारों बच्चा देखने हेते, अखने बच्चा सब हमरा लग बैसल है सीखेला, बहुत शौक भेटले है, बहुत 5,000-6,000 बच्चा सबके हम सब सीखेने छी। हम ही नहीं सब कलाकार, खास कर हमरा सीखब के बहुत मौका भेटल, किया तो हम गरीब परिवार से छो, हम ककरो कोई विदेशी अबे छे तो हम ठाड़ भक देखे छे जे केना फोटो झीके छे, तो इस सब के बड शौक छले, तहिना हम तो बड कष्ट काट के सीखलम, अहाँ सब लग पहुँचलम है, तहिना बच्चा सब के मौका हो सीख के। चलिए, तो अब इनके साथ जो लाइव ट्रेनिंग ले रही हैं उनसे भी जुड़ते हैं। पद्मश्री विजेता दुलारी देवी जी के साथ जो अभी लाइव जो मिथिला कला सीख रही हैं वो अभी उनके स्टूडेंट हैं मौजूद, इनसे बात करते हैं। मिथिला कला आप इनसे सीख रही हैं, बचपन से शौक था या फिर यहाँ पे आने के बाद आपको सीखने का मौका मिल रहा है, फिर अचानक से सीखने का काम शुरू किया? मेरा नाम सलोनी राज है और लॉ के स्टूडेंट हूँ मैं, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से लॉ कर रही हूँ। यहाँ पे बिहार दिवस बस घूमने के लिए आई थी, लेकिन पेंटिंग, ये मधुबनी पेंटिंग बचपन से सीखने का शौक था लेकिन सीखने का मौका नहीं मिला, और बस पेंटिंग खरीदी और ये इनकम्प्लीट पेंटिंग थी और उसको बस कंप्लीट करना था, तो इतना अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कि इनके साथ ही बैठ के वो कंप्लीट किया जाए, इसलिए ये पेंटिंग इनके साथ बैठ के कंप्लीट किया गया है। और बताइए कैसे कैसे कलर कॉम्बिनेशन करना चाहिए, क्या कहाँ लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बहुत सारा बारीकी सीखे जितना सीख सकते थे इतने कम समय में। ये बताइए कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं लेकिन कला के प्रति आपका प्यार मतलब बचपन से है या फिर उम्र के साथ साथ पढ़ाई करते करते कभी बीच में ख़त्म नहीं हुआ, या फिर ऐसा नहीं लगा कि हमें पढ़ाई करनी है काम नहीं करना है फिर भी आप यहाँ पे काम कर रही हैं? हाँ, मेरा बचपन से नहीं था, मतलब जैसे थोड़ा बड़े हुए टीनेज एज में गए तो फिर धीरे धीरे ये सबसे जाने रूबरू हुए, फिर वैसे ये टी शर्ट भी हम ही पेंट किए, धीरे धीरे लॉकडाउन में ज़्यादा इसके तरफ इन्फ्लुएंस हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है आदमी, और फिर ये पेंटिंग इतना ज़्यादा सुकून देता है, शांति देता है, उतना देर के लिए आप भूल जाते हैं कि आपके लाइफ में क्या हुआ है या क्या हो रहा है, परेशानी क्या है, और फिर धीरे धीरे दिमाग शांत होता है और बहुत शार्प होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, शार्पनेस बढ़ता है, पढ़ाई और अच्छा ही हो जाता है। अगर ये आप कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ भी अगर आप सीखते हैं तो उससे आपका पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आप इसे सीख भी जाएगा और मैं भी आपको पद्मश्री अवार्ड मिले। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बात हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा सपना है, एक गोल है हर एक बच्चे के लिए कि उनको भी पद्मश्री मिले, पद्म विभूषण मिले, भारत रत्न मिले, जो कि वो बहुत अच्छे एक्सेप्शनल फील्ड में ये मिलता है, बहुत अच्छा काम करने के लिए मिलता है और सब लोग उस तरफ बढ़े। अच्छा, दुलारी देवी जी, आपको क्या लगता है आपको पद्मश्री मिला, आपके कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो क्या लगता है आपका कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि अभी काफ़ी अच्छा काम करता हो कला के क्षेत्र में, उसे मिलने वाला हो ऐसे आने वाले वक्त में मिले, ऐसा कुछ लगता है देखिए किसी को भी? काज तो बहुत बच्चा सब करे छथिन, वह बच्चा सबके हम कहे छन जो मेहनत केनाइ बहुत जरूरी छे, धैर्य रखनाइ बहुत जरूरी छे, संतोष से रहब तो कलाकारे ले प्राइज छे भेटबे करत, जरूर भेटत, महज मेहनत करू संतोष से रहो। बिल्कुल, अगर संतुष्ट होते हैं और मेहनत से काम करते हैं तो जाहिर तौर पे सक्सेस मिलता है, और सक्सेस होने के बाद लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं,
ताज़ा उदाहरण है दुलारी देवी जी, जिन्हें कई वर्षों के बाद इन्हें मिथिला कला के क्षेत्र में काम करने के लिए, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। लेकिन आपको बता दें कि ये कला के क्षेत्र में काम करने वाली जो आर्टिस्ट थे उनके घर में काम करती थी और उनका उन्हें देखते देखते इन्होंने ये काम सीखा, पेंटिंग सीखा। उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने काम करते चली गई और कई बच्चों को ट्रेनिंग भी, जैसे हम जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की उम्र नहीं होती, जब भी चाहें आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप दोनों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है और आप देखते रहें NBC 24 न्यूज़।